वो गिर तो जाता है, बीच में जाने के बाद इस तरह इसके बीच में फंस जाता है, दोनों आइस के बीच में। फंसने के बाद क्या होगा, हम रोप लगा के उसको लेके नहीं आ सकते हैं, किसी हुक के जरिए उसको खींचना पड़ता है। अगर खींचेगा तो बीच में उसका कपड़ा निकल जाता है, कपड़ा निकाल गया तो उसका शरीर रह जाता है, अब उस शरीर को खींचेगा उसका छिलका निकल जाता है। इतना मुश्किल हालात में हम लोग वहां पे बैठते हैं। ये दो हो गया ऑब्स्टिकल के बारे में। अब सुन लेना बीमारी, याद भी रखना बीमारी का नाम, बच्चे लोग भी। सबसे पहले वहां पे मेमोरी लॉस हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद ब्लरिंग ऑफ स्पीच होता है, उसके बाद चेस्ट पेन होता है इतना तगड़ा, ऐसा लगता है यहाँ पे इस तरह झुक के बैठने के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरा फटने वाला है, इतना दर्द होता है। हेपो, HAPO, हेपो, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में पानी भर जाता है। एक होता है हेको, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। मेन चीज क्या है वहां पे, फ्रॉस्ट बाइट। क्या है? अगर किसी जवान की पैरों की उंगली के ऊपर या किसी के हाथों की उंगली के ऊपर